तो कैसे हो आप सब लोग, और मैं हूं आपका दोस्त अरमान। और आज की वीडियो में हम एक और फेक बेवियर्ड अनबॉक्स करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने ये फेक बेवियर्ड्स को अनबॉक्स किया था, जो कि एकदम ट्रैश निकले। तो आज हम ऐसा एक और फेक बेवियर्ड अनबॉक्स करेंगे। तो ये भी सेम ही है, कुछ नहीं है पीछे। अलगा गोल्ड DF1 05 LRF लिखा है, और ये इतना भी ट्रैश नहीं लग रहा। मतलब ये रियल तो नहीं है, लेकिन यू नो इतना भी ख़राब नहीं लग रहा है मेरे को। अच्छी फीलिंग आ रही है। तो खोल लिया या आगे अपनी बेसिक रिपकॉर्ड। हाँ, रिपकॉर्ड ठीक ही लग रही है। ये है ये लॉन्चर। लॉन्चर तो बहुत ही अजीब लग रहा है। तो पता नहीं क्यों, पर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बेवियर्ड निकालते हैं। तो बेवियर्ड ये है, छोटी सा बेवियर्ड है। तो इस पे फेस बोल्ट तो डीआरबी नेमेसिस का दिया है, और स्पिन ट्रैक कुछ कुछ मीटियो वर्ल्ड ड्रैगन जैसा है, और लेयर कुछ कुछ आई गेस टॉम पेगासस की तरह है। तो काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे ख्याल से ये एक अटैक टाइप होगा। साथ में एक टूल दिया है, एक लॉन्चर और एक रिपकॉर्ड। तो चलो एक टेस्ट स्पिन कर लेते हैं। तो पहले मैं बोला तो मैंने खरीदा कहाँ से, तो खरीदा है मैंने फ्लिपकार्ट से। और अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 278 का है ये, और ये भी ऑलमोस्ट उन पुराने वालों की तरह ही सेम प्राइस का है। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा मिला मेरे को, मतलब इसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए। और मेरे ख्याल से ये 378 वर्थ इट है। पहले चेक करते हैं कि ये मेटल है कि प्लास्टिक। मेरे को तो प्लास्टिक लग रहा है। तो अगेन से लेते हैं मैग्नेटिक डांट। तो इस पर चिपक नहीं रहा, मतलब ये भी प्लास्टिक टाइप ही है। तो चलो फिर ये हो जाए एक टेस्ट स्पिन। तो टेस्ट स्पिन के लिए मैं इसका ही लॉन्चर यूज़ करूँगा। वेल, अगर आपको जानना है इसमें डिफरेंस, तो देख सकते हैं पुरानी वाली रिपकॉर्ड है और जो इसके साथ आई है। तो इनमें कलर डिफरेंस है, क्वालिटी का भी डिफरेंस लग रहा है मुझे। अब ये अजीब सी क्वालिटी का, ये थोड़ी अच्छी लग रही है। तो साथ में इसका लॉन्चर ये है, देखते हैं। 3-2-1 ले। तो ये काफी स्पीड में घूम रहा है, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा। साथ में इसकी जो परफॉर्मेंस टिप है वो भी मेरे को काफ़ी सुंदर लग रही है। और इसका भी कुछ नाम रखते हैं, क्योंकि इसमें डीआरबी नेमेसिस का फेस बोल्ट है और स्टॉर्म पेगासस स्पिन ट्रैक। सोचने वाली बात है, स्टॉर्म नेमेसिस। तो इसका नाम हो गया आपका स्टॉर्म नेमेसिस। सुंदर है काफ़ी, मतलब फेस वोल्ट में गोल्ड प्रिंटेड है, गोल्ड से प्रिंट किया डीआरबी नेमेसिस को। और एक बार और हो जाए, क्योंकि मेरे को बहुत सही लगा। अब इस सर्कल ले रहे हैं, तो सर्कल ले रहे हैं मतलब ये एक अटैक टाइप होगा। तो हम देख लिया, मैं इसको जैसे ही पकड़ देंगे रिंग आउट हो गया। बैटल करते हैं एक, तो इसकी बैटल करवाते हैं हम फैंटम ओरान से करवाते हैं, या फिर एक काम करते हैं ये प्रीवियस ब्लेड से ही करवा लेते हैं, जैसे इससे करवाते हैं। का नाम मैं भूल रहा, क्या नाम रखा था मैंने इसका, इसका नाम था गोल्ड बुल। तो बैटल के लिए यूज़ करता हूँ डुअल लॉन्चर। वेल, अगर आपको ये बाई करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इनका कलर दोनों का सेम ही है। 3-2-1 लेट इट।
तो शायद इसकी स्पीड कम हुई है, मतलब ये अच्छे से लॉन्च नहीं हुआ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इस स्पिंटा की वजह से एल्ड्रैगन की तरह ही है, पहले अटैक और लास्ट में डिफेंस भी आ जाता है। कट्टे कट्टे बुल से जीत नहीं सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी इसका लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।